सब पहले कि आज का वीडियो शुरू हो, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो जनाब, मेरा नाम यश है और आप लोग हमें बींग YKD के नाम से भी जानते हैं। वैसे हमारा पेशा व्लॉगिंग और मॉडलिंग है। 2 साल से हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने कैमरे से बहुत सारी तस्वीरें कैद की हैं। फिर वो चाहे कानपुर के मनमोहक घाट हो या कानपुर के व्यंजनों की दुकान, प्रयागराज का कुंभ मेला हो या संगम गंगा यमुना को मिलाने वाला संगम घाट, नासिक का पंचवटी धाम कह लो या गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई की शान, सब कुछ कैद किया है। तो अभी बज रहे 4:30 सुबह के, नहीं शाम के। इससे पहले कि हम लेट हो, हम निकलते हैं। आप हमें मिलिए आगे गंगा घाट पे। क्या देख रहे हैं? ये रॉकी है, ये भी हमारे ब्लॉगर हैं। ये अगर आप लोगों ने KTM RC125 वर्सेस RS वाली वीडियो देखी हो, तो हम लोग आ गए हैं अभी बिठूर घाट पे। और तो भाई साहब, यहाँ पे गूगल वूगल नहीं चलता है, यहाँ पे लोगों की राय लीजिए और पहुँच जाइए अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि ये है कुछ पेचीदा गलियाँ जहाँ गूगल नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पे सिर्फ हमें पहुँचना पड़ता है और वहाँ के लोकल से पूछ के। तो बस ऐसे ही हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे पूछ पाछ के, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा जाम है। पता नहीं कौन सी मोनी वगैरह होती है। तो फिर बाकी गंगा स्नान के बाद मिलेंगे आपसे, ठीक है? तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मावत घाट और इस समय वक्त हो रहा है शाम के 5:30। और हमारे साथ हैं आज अपने 3 नौयुवक, जो कि 2 यहीं के हैं। तो वो हमें ले जा रहे हैं इस घाट के रूफटॉप पे, जहाँ से हम आपको देंगे टाइम लैप्स। और टाइम लैप्स के पीछे की जो मेहनत है यार, वो दिखती नहीं है, लेकिन शॉट बहुत प्यारे होते हैं। तो उस शॉट के लिए आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, काफ़ी है। तब तक आप इसका लुत्फ उठाइए और आगे का फिर आगे देखिए। बाकी आगे का सीन ये कि अभी हम लोग टाइम लैप्स बनाएंगे और फिर उधर पीछे की तरफ जाएंगे, उस पर उस तरफ से भी टाइम लैप्स बनाएंगे। और मतलब आप लोग देख रहे हो कि कैमरा हाथ में और मोबाइल से व्लॉग शूट करना पड़ता है। कभी कभी कैमरे में कुछ इशू आ रहा है, इसलिए लोग मोबाइल से कर रहे हैं। तो भैया, घाट पर टाइम लैप्स बनाने के बाद हम गए रूफटॉप, और रूफटॉप के नज़ारे कुछ अलग ही लेवल के थे। तो ये सारे शॉट लेने के बाद हम एकदम सही वक्त पे गंगा के किनारे पहुंचे थे, क्योंकि इस समय हो रही थी गंगा माता की आरती। तो फिर हम आरती में भी शामिल हो गए और आरती का भी लुत्फ उठाया। तो जनाब, यहाँ पे सिचुएशन ये हुई कि गंगा माता की आरती ऑलरेडी हो चुकी थी और हम फिर से हाथ घुमाने लगे, तो पंडित जी ने मना किया, आरती एक ही बार होती है। उत्तराखंड में आई बाढ़ के कारण भारी मात्रा में 8 से 9-10 बजे के बीच में पानी आने की संभावना है। गंगा के किनारे जो भी लोग रह रहे हैं वो अपना किनारा छोड़ दें, जिससे कोई धन हान की नुकसान न हो। पूरे दिन की थकान के बाद हमें लगी शाम को भूख और हम पहुंच गए एक शादी में, और शादी में भी टाइमलेस लेना बनता है।